बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू दिस लाइक एंड हाइक फन यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल गाइस? आई होप यू ऑल आर ग्रेट एंड फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ बेल नोटिफिकेशन का बटन होगा आप उसे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। आज की वीडियो में बेसिकली टू पीस ड्रेस था हमारा, समर लॉन का ईद का ड्रेस बन रहा था और बहुत ही प्यारा एंड खूबसूरत ड्रेस था, टू पीस था। इसकी शर्ट बड़ी प्यारी थी, प्रिंट उसका बहुत अच्छा था, तो हमने सोचा कि इसके ट्राउज़र पर थोड़ा बहुत हम काम का टच दे देते हैं, हाथ कढ़ाई का टच दे देते हैं, ताकि इससे इस तरह के सिंपल प्रिंटेड लॉन का अगर आपका ड्रेस है तो आप उसको बहुत प्यारा और कैजुअल बना सकते हैं, सेमी फॉर्मल बना सकते हैं अपनी ईद के लिए। किसी घर आना जाना, दावत वगैरह पर, इफ्तार पार्टीज़ पर इस तरह के प्यारे ड्रेसेस आप लोग पहन सकते हैं। तो आज की जो सबसे पहले हमने ये किया था, जी जो प्रिंटेड पट्टियाँ आप लोग देख रहे हैं, पाइपिंग्स देख रहे हैं, ये शर्ट की पाइपिंग्स से हमने सबसे पहले तो दो वो लगाई थी क्योंकि इनके ऊपर काम होगा। और जो चीज़ें हमें यूज़ होंगी वो एक तो सिल्क का धागा होगा, ये इस तरह का ब्लू कलर का सिल्क का नेवी ब्लू कलर है, क्योंकि इसमें जो प्रिंट है आप लोग देख रहे होंगे कि सी ग्रीन के साथ साथ नेवी ब्लू का भी थोड़ा थोड़ा प्रिंट था, तो इसीलिए हमने धागा भी नेवी ब्लू उठाया। तो एक अदद सुई हमें चाहिए होगी और सिल्क का धागा एंड मिरर्स हमें यूज़ होंगे, मिरर्स हम लोग यूज़ करेंगे, मिरर्स ज़ीरो साइज़ के मिरर्स हैं और इनसे जो है वो काम होगा, बहुत ही प्यारा बहुत ही एलिगेंट होगा। हमने इस शर्ट के साथ ही ट्राउज़र था तो इसीलिए हमने पटिया वटियाँ लगाई हैं, तो लेकिन ये अगर आप लोग सेपरेट ट्राउज़र ले रहे हैं वाइट वगैरह इस तरह का ले रहे हैं तो आप पटिया मत लगाएं, जस्ट ओनली जो हम काम करेंगे आप सिर्फ वो काम भी कर सकते हैं। अगर प्रिंटेड शर्ट है आपका, टू पीस ड्रेस है, थ्री पीस ड्रेस है, उस पर जो है इस तरह की आप लोग पाइपिंग लगा सकते हैं। हमने जस्ट वन बॉर्डर लगाया था लेकिन आप लोग इस तरह का डबल बॉर्डर करके लगा सकते हैं, ट्रिपल बॉर्डर लगा सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। हैवी काम चाहते हैं तो आप लोग इसे और बढ़ा दें तो हैवी हो जाएगा, थोड़ा कम करना है तो आप इसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो ये वाला है। अब मैं बीच में एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट कर रही हूँ और अब कमेंट्स आएगी कि आप स्टार्टिंग से बताएं, जो बीच में हम लोग काम कर रहे हैं एग्जैक्ट इसी तरीके से ही स्टार्टिंग से काम होता है। ये देखिए इस तरह से जो है वो आप लोग निडल को सबसे पहले इस तरह से लगा लें और इस तरह से लगाने के बाद आप जो ये स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, इस तरह से करके आप निडल को जब खींचेंगे तो आपका ये इस तरह की डिज़ाइनिंग बन जाएगी। देन आप लोग जो है उस तरह से करते जाएंगे तो एग्जैक्ट इसी तरह का एक काम होगा। आप लोग अगर देखते हैं और सीखना चाहते हैं तो जस्ट देखने से कुछ नहीं होगा, अगर आप लोग सीखना चाह रहे हैं तो आप लोग खुद भी करा करें, आप लोग फिर वीडियोज़ देखने के बाद खुद भी एम्ब्रॉयडरी करें, करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से किया गया है। आप लोग उल्टा सीधा जो भी करते जाएंगे तो आप लोग जो सीख जाएंगे आराम से आपको पता चल जाएगा ये काम किस तरह से किया गया है। जस्ट आप लोग स्टार्ट देखते हैं और कहते हैं बीच में से काम है, ये कैसे काम होगा, ये हमें नहीं आएगा, तो आपको आ बिल्कुल जाएगा, आप सीख बिल्कुल जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि आप लोग उसकी प्रैक्टिस करें। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो जितना भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही परफेक्ट होंगे। बहुत ही आसान काम था, डबल धागे करके हम लोग इसका काम कर रहे थे, सिंगल धागे से ये और भी पतला हो जाता बॉर्डर और इतना कुछ अच्छा नहीं लगता। और इसी तरीके से जो ये हम लोग ऊपर वाली पट्टी के ऊपर पाइपिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, इसी तरह का जो नीचे वाली पाइपिंग है उसके ऊपर भी इसी तरीके से हमने काम किया था। फर्स्ट स्टेप जो है वो ये हमारा यही है कि दोनों पाइपिंग्स के ऊपर आप लोग ये वाला काम सबसे पहले तो कर लें, इसके बाद जो है वो फर्दर काम मिरर्स वगैरह यूज़ होंगे वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पार्ट वन आपने देख लिया, आई होप आप लोगों को पार्ट वन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने काम किया है। एंड इसी तरीके से जो है वो नीचे वाली पाइपिंग आप जैसे कि देख रहे हैं उसके ऊपर भी हमने ऐसे काम किया है, इसके ऊपर वाली जो पाइपिंग है उसके ऊपर भी एग्जैक्ट हमने उसी तरीके से काम किया था। अब बारी है मिरर्स की, मिरर्स दूर दूर तक, मतलब कि एक पौचे में जो है वो पाँच मिरर्स हमने लगाए थे, दूसरे पौचे में पाँच मिरर्स लगाए थे, थोड़े थोड़े गैप के साथ जो सबसे पहले हमने मिरर्स लगा लिए थे। मिरर्स लगाने के बाद अगर आप लोगों को कुछ पैटर्न बनाना है तो पैटर्न सच कुछ इतना तो नहीं था, जिस लाइन्स ही हमने जो है वो लगाई थी,
विदाउट पैटर्न के भी आप लोग इजीली ये ड्रेस डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मिरर्स के बाहर जो है वो हमने लाइंस बनाई थी, लाइंस के बाद जो है वो एक एक करके सितारा डाली थी ट्राउज़र में, तो ड्रेस बहुत ही प्यारा है, एक्चुअली प्यारा लग रहा था। देख लें आप लोग कि किस तरह से हमने काम किया है, इस तरह से जो है वो हमने इन लाइंस को बनाया था, और उसके बाद जो है ग्रीन कलर की सितारा जो होती है वो एक लगाई थी, एंड दो तीन टाँके ही जस्ट लगाए थे, और उसके बाद ही जो है वो सितारा हमने लगाई थी। ये सितारा जो है वो इस तरह से हमने करके एक जो है वो इस तरह से लगा ली थी, जो कि बहुत ही अच्छी और प्यारी लग रही थी। इस तरह से करके जो है वो हमने सितारा लगा दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्राउज़र्स के एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। अगर आप लोगों ने मज़ीद दिखनी तो आपके चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ सेपरेट फोल्डर बना हुआ है हाथी कढ़ाई के ट्राउज़र्स का, हाथी कढ़ाई की शलवार का, आप लोग वहाँ से जो है अपने पसंद का डिज़ाइन देख सकते हैं। एंड उनका अगर कोई पसंद आता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर और ख़ुद वो कढ़ाई कर सकते हैं घर बैठे। एंड ट्राउज़र इज़ रेडी, हमारा ट्राउज़र जो है वो बन चुका है। इट्स नॉट इट्स ग्रेट पैंट, इट्स नॉट बूट पैंट, ये जो थी वो सिंपल एक स्ट्रीट टाउल ट्राउज़र था, दैट्स इट। इतना ज़्यादा ना टाइट था, ना इतना ज़्यादा लूज था, ना फ्लैपर था, तो एक सिंपल जी जो है ना स्ट्रीट ट्राउज़र हमने रखा था। एंड दिस इज़ द डन, और बहुत ही एलिगेंट था, बहुत ही प्यारा था, सिंपल था, एंड फटाफट बन गया था। ये रेड ट्राउज़र आई थिंक इन दिस हॉर्स पे बना था, जस्ट आई थिंक 5 to 6 hours लगे थे इस ड्रेस को बनाने में, और जल्दी जल्दी ये ड्रेस ट्राउज़र बन गया था। इतना कुछ हैवी नहीं था। इसका मैं काम की बात कर रही हूँ, ओवरऑल ड्रेस की बात नहीं करी, इसकी जस्ट ओनली एम्ब्रॉयडरी की बात कर रही हूँ कि जो एम्ब्रॉयडरी है विद इन अ हॉर्स में जो है वो रेडी हो गई थी, और फटाफट रेडी हुई थी। पाँच ये देखिए फ्लावर्स जैसे कि हमने बनाई थी, एक बीच में लगा था, दो राइट साइड एंड दो लेफ्ट साइड जो है वो इस तरह से करके ये इसके मिरर्स लगे थे। इसकी शर्ट भी मैं आप लोगों को इन दी एंड दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोग किस तरह से जो है वो एक शर्ट जो है वो खुद स्टिचिंग करके और फिर आप उसका ट्राउज़र पर काम किस तरह से कर सकते हैं। इसकी शर्ट बहुत प्यारी है, अंगरखा फुल स्टाइल में है, और बहुत ही प्यारी की गई है, ये घर में खुद स्टिचिंग की है हमने, और बहुत ही प्यारा एंड अमेजिंग ड्रेस बना था। दिस इज़ द ट्राउज़र। और जो मेरे चैनल पर अभी न्यू है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरी अपकमिंग तमाम वीडियोस जो है वो देख सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे थम्स अप दीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरा चैनल ज़रूर शेयर करें, ताकि अभी ईद आने वाली है तो उसके हिसाब से ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ एंड हाथ की कढ़ाई के आइडियाज़ भी वहाँ वो देख सकें, और हमारे चैनल से वो भी फ़ायदा उठा सकें। आप लोग जो है वो बेबी गर्ल्स के भी इस तरह के ट्राउज़र्स बना सकते हैं, अपनी बेटियां हैं और बड़ी मदर्स भी जो है वो इस तरह के ट्राउज़र्स को इजीली पहन सकती हैं। एंड दिस इज़ द शर्ट, मैं ओवरऑल इसको ओपन करके भी दिखाऊंगी। आप इसका ज़रा लुक देखिए, कितना प्यारा एंड डिसेंट आ रहा है। इसका जो ट्राउज़र का कपड़ा था वो यूँ करके जो है लगाया गया था, अंगरखा स्टाइल में शर्ट थी, एंड फ्रंट पर जो है टजल्स डाले गए थे। दीज टजल्स आर हैंडमेड, हमने कोई रेडीमेड नहीं लिए थे, और ये हैंडमेड टजल्स हैं। कितनी खूबसूरती के साथ और नफीस और प्यारा ड्रेस बनाया गया था, बहुत ही प्यारा एलिगेंट लग रहा है। तो ये थी वीडियो, मैं आप मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। अपना और प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल दैट टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।